मैं जाने बाबा गए हमें समझाने की, देखो ये सब स्क्रिप्ट है, रेडी है, पढ़ लो ना। रास्ता क्लियर करवाओ सर। Do you think it was a deliberate attempt to stop investigation? नीरज आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ वहाँ पाया आपने ऐसा कुछ? हमारी टीम 27 तारीख से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। प्रथम बार मेरे पहुंचने के बाद एक दिन पहले दिन हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, दो तारीख के बाद से फिर आज अचानक आपको कैसे क्वारंटीन किया गया? व्हाट यू सेड ऑल ऑफ अ सडन आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो क्या अचानक बोला गया आपको? नीचे है निकल गया मोबाइल आगे हटाइए मोबाइल नीचे भी बोला था और एयरपोर्ट मीडिया को ब्रीफ भी किया था मैंने कि मोबाइल थोड़ा नीचा कीजिए ना, मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मुंबई आया हुआ हूँ, बिहार में क्या था इसको रीड कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इन्वेस्टिगेशन के एयरपोर्ट से जाने के बाद जब मैं रिसाव किया और रात के इन्वेस्टिगेशन के लिए मोबाइल पीएनआई था ऐसी प्रक्रिया है आपसे मिलना चाहते हैं फिर मैं वापस जब क्या लगता है ये अनप्रोफेशनल अप्रोच था महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरीके से आपको क्वारंटीन किया गया? बाकी चार ऑफिसरों को नहीं किया गया, बाकी लोग जो महाराष्ट्र जा रहे थे उन्हें नहीं किया गया आपके? सही है कि बाकी चारों को मेरी टीम के अन्य सदस्यों को भी नहीं किया गया, ये बात भी सही है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। हाथ थोड़ा नीचा कीजिए ना, इसमें कुछ कहने के लिए नहीं कर रहे हैं जी। हाथ नीचे आप कैसे कर रहे हैं? कहाँ नीचे कर रहे हैं? जब आपने किसी का अप्रोच नहीं, मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति की बात नहीं है, ये प्रक्रिया की बात है। इन्वेस्टिगेशन हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार था क्योंकि FIR यहाँ दर्ज हुई है। सर सिर्फ जैसे हम SIT को लीड कर रहे थे, आज DCP मलाड का जो आया है ट्रैक आया है, टाइम्स ने दिखाया कि किस तरीके से ही हैड स्पोकन टू रिहा, उनका फोन कॉल एक्सचेंज हुआ था, तो क्या लगता है कि इज द मुंबई पुलिस ट्राइंग टू सेव रिहा? रिहा को बचाने की कोशिश हो रही है, यही कारण था कि आपको क्वारंटीन किया गया, आपके ऑफिसर को काम करने दिया गया? नहीं, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा और ये करना उचित भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि हमारी टीम जो है 10 दिन से अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सही दिशा में सही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे थे। आत्मक सवाल है लेकिन हम लोग अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं, हम लोग अपना प्रयास कर रहे थे और ऐसा कुछ होता तो भी हम लोग अपना बेहतरीन प्रयास करके केस को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश। कैसा महसूस हुआ जब DGP आपको रिसीव करने आए एयरपोर्ट पे? ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सम्मान की बात है हमारे।